नमस्कार, जय जोहार। आप मन के गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी की यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या पूछा गया था? तो कंफर्ट करने के लिए एंटरटेन करते हैं। मैं चाहती हूँ अपने नोट्स कि कैसे नोट्स बनाने हैं। एक आंसर राइटिंग और एक बेहतर आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस है? छत्तीसगढ़ी नहीं आती, उसका जो इशू बना रहे थे तो उस इशू पे मैंने गणेश सर और मयूर सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया है। फिर बेसिक्स कहाँ से शुरू करूँ तो कोमल सर के वीडियोस देखो, जिला परिदर्शन वाले कोमल सर के तिहार तीजा वाले वीडियोस देखो। तो यहाँ के कौन से ऐसे जगह है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगते हैं? छत्तीसगढ़ी डिशेज में आप क्या क्या बना लेती हैं? जो बगल में बैठे थे ना, कोनो पहचान के मोहताज नहीं, खबर की काफ़ी दिनों से मैडम के चेहरा हा वायरल हुआ थे, ट्रेंडिंग में है। मैडम के नाम है पूजा पिंचा, जो अभी डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में चयनित हुए हैं, रैंक 6 में। मैडम आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैडम से हमें खास बातचीत करबो आज, और ये इंटरव्यू है खास दिन में हुआ थे, काबर की तीजा के त्यौहार चला थे और हमार दाई है, हमार ददस लड़के अपन मायके चल रहे साड़ी लुगरा मांगे हुआ, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक के मैडम से हम इंटरव्यू कर लेते। तो मैडम अपन बारे में कुछ बताओ। मोर नाम पूजा पिंचा है, मोर जन्म नोखा बीकानेर राजस्थान में हुए है। 10वीं तक पढ़ाई मोर नोखा में ही हुए रही, ओखर बाद में कोटा चल गई, ओखर बाद में NIT रायपुर में एडमिशन हो गए। 2018 ले लेके अभी तक मैं CGPSC और UPSC की तैयारी कर रही हूँ। NIT के बाद का जो अब सफ़र रहा है CGPSC तक का, वो कैसा रहा है? NIT के 4th ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जो है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि IT सेक्टर में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट था मेरे को। तो फिर मैंने पढ़ाई चालू किया, इसके UPSC से रिलेटेड पढ़ाई चालू किया फिर पहले, फिर उसमें नहीं सफल रह पाई तो फिर पिछले 2 साल से CGPSC की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मतलब UPSC आपने पहले किया? हाँ। उसमें आपको ऐसा लगा कि नहीं हो पा रहा है? हाँ, नहीं हो पा रहा है। तो फिर आपने CGPSC की? हाँ, और फिर बीच में 2-3 साल बहुत कन्फ्यूजन स्टेट था कि UPSC करूँ कि CGPSC करूँ, कि बहुत सारे RPI ग्रेड बी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो उसके कारण मेरा थोड़ा ये जर्नी है जो लंबा हो गया है। बहुत ही फ्रूटफुल जर्नी है आपकी, क्योंकि आप एज अ DC सेलेक्ट हुई हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में आ रहा है कि राजस्थान से आपका जो सफ़र शुरू हुआ है वो CGPSC मतलब छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज में कैसा रहा? मतलब उस तो चेंजेस हुए होंगे। बहुत चेंजेस हुए हैं, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल यूज़ करती हूँ, रिसेंटली अभी मैं घर गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, अभी जैसे ही यहाँ आई मम्मी ने फ़ोन में बोला कि अब तो तेरी तबीयत ठीक हो गई, तू अपने घर पहुँच गई है। तो ये अब छत्तीसगढ़ मेरे को मेरा घर लगता है, क्योंकि मैं 9 ईयर से यहीं रह रही हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन यहीं किया, मैंने फ्रेंड्स बनाए यहाँ पे, तो एक तरह से अब ये मोर छत्तीसगढ़। मोर छत्तीसगढ़ नहीं, आपके बात से भी लगा था कि जैसे आप छत्तीसगढ़ी में इंट्रोडक्शन दे हो ना के, तो इसे लगा था कि छत्तीसगढ़ ना बहुत बारीकी से जाने हो राजस्थान से हो, फिर भी कमर की आप इंट्रोडक्शन ही छत्तीसगढ़ी में, तो बहुत ही अच्छा लगी स्मोला पर्सनली। आपका DC सिलेक्शन हो गया, तो क्या आपको लगता है कि यही मेरा फाइनल स्टेज है या इसके बाद आपकी तैयारी और है? अभी तो मोला ज़रूरत है एग्जाम के, मतलब ये 2-3 साल तो यही करूँ मैं काम, फिर ओखर बाद में शायद UPSC के लिए तैयारी करूँ। अभी जैसे कि मैम हमारे छत्तीसगढ़ में एक तिहार के बेरा चला थे, जैसे कि तीजा पोरा। तीजा पोरा एक बहुत ही चर्चित त्यौहार है, बहुत मानते हैं हमारे यहाँ के दाई का, मोर यहाँ पर्सनली खुद। तो आप राजस्थान से, और राजस्थान ही मैं जाना तो बहुत ही मीठा से बहुत प्रेरित है, तो वहाँ के थोड़ा डिश के बारे में बताओ राजस्थान के। राजस्थान की सबसे फेमस मिठाई मेरे हिसाब से जो कहाँ कहीं नहीं मिलती है, घेवर। घेवर? हाँ, घेवर, फीनी, रसगुल्ला। अच्छा, तो पर वो बनता किससे? वो रिफाइंड फ्लोर से, वो जो मैदा होता है उससे। अच्छा। बनता है शुगर मैदा, पर यहाँ की जो जैसे चावल आटा यूज़ करते हैं वहाँ पे गेहूँ आटा मैदा ये सब ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ की मिठाई। तो आपने जो छत्तीसगढ़ी फ्रेंड्स बनाए उनको खिलाया आपने राजस्थानी डिश? हाँ, मैं जब भी जाती हूँ घर तो लेके आती हूँ उन लोगों के लिए। अच्छा, और यहाँ वाला मैं मम्मी को जाके बना के खिलाती हूँ। यहाँ वाला? तो यहाँ छत्तीसगढ़ी डिशेज में आप क्या क्या बना लेती हैं? मैंने चीला, चीला ठीक है, टमाटर की चटनी यानी पताल। हाँ, पताल की चटनी बहुत खिलाई है मम्मी को। और फिर जो चावल आटा फरा जो बनता है वो गुलगुला, और ठेठरी खुरमी भी। हाँ, ठेठरी खुरमा भी, ठेठरी खुरमी हर घर में रंधा थे काबर के तीजा पूरा के त्यौहार चला थे हमारे यहाँ बने के लिए। तेल मैं आप में आखिरी बताऊँ, काबर के मुल दाई पूछे लगी फ़ोन करके, और का बना लेते हो?
वैसे तो जितना बताए तो भाजी बहुत सारा, और वो अभी एक भाजी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जो पोचई का, जो पोचई का दही में उड़द दाल में जो रैप होके बनता है, पोचई पत्ता वाला, वो मेरा फेवरेट है। तो जैसे इंटरव्यू खत्म हुई, कंपटीशन कम्युनिटी में हर कोई खायल मिली, आपसे गुजारिश है कि बना के जाऊँ। हमें कितना समय देना होगा इस चीज़ के लिए? समय बहुत वेरिएंट है, किसी के लिए एक साल में भी हो जाता है, किसी के लिए चार पाँच साल भी लग जाता है। तो वही डिपेंड करता है कि आप क्या वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट आप अपने निकाल लो और फिर उस पर वर्क करो। जैसे कि मेरे को पता है कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग पॉइंट है क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, तो पेपर फोर पे मैंने बहुत कम फोकस किया, साइंस और मैथ्स में पढ़ाती थी। क्या मेरा वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है, तो पेपर फोर मेरा स्ट्रांग पॉइंट है तो मैं इसको बाद के लिए भी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के बाद भी कर सकती हूँ या फिर कम टाइम में भी कर सकती हूँ। वैसे ही मेरे को इकोनॉमी और ज्योग्राफी में भी पता था कि मेरा ये काफ़ी क्लियर है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते हैं, जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब बेसिक्स है इकोनॉमिक्स के, ये आपके क्लियर है तो आप इसको बाद में छोड़ सकते हो। लेकिन जैसे फिलॉसफी है, लोगों के लिए नई चीज़ है, नहीं पता इंडियन फिलॉसफी क्या होता है, वेस्टर्न फिलॉसफी क्या होता है, तो उस चीज़ों से शुरुआत करो, उसको बिल्डअप करो, एक बेस पूरा सबका क्लियर कर लो, उसके बाद में फिर आंसर राइटिंग और ये सब नेक्स्ट स्टेप आता है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ आए हो, जब तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक जगह, प्राकृतिक जगह है, खास करके छत्तीसगढ़ का जो अपन प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरा भारत पूरा विश्व में चर्चित है, तो यहाँ के कौन से ऐसे जगह है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगते हैं? मैं घूमने के लिए बस्तर ही अभी तक जाता हूँ। बस्तर है ना, अब बस्तर ही सबसे सबसे प्राकृतिक जगह है, आप लकी हो। चित्रकूट और तीरथगढ़ वाटरफॉल, चित्रकूट जो सबसे चौड़ा और तीरथगढ़ जो सबसे ऊंचा, दोनों वाटरफॉल्स मैंने देखे हैं। और उसके बाद में चैतुरगढ़ अभी प्लान बन रहा था लेकिन नहीं हो पाया। चैतुरगढ़ और मैनपाट मेरा अभी विश लिस्ट में है कि मेरे को नेक्स्ट जाना है। और रायगढ़ में जो एंशियंट केव्स है वहाँ पर मेरा बहुत मन है विजिट करने का। दैट्स नाइस, और कोशिश करेंगे कि कंपटीशन कम्युनिटी आपके साथ हमेशा हर जगह पे चलते रहे। आप मतलब बता दूं कि ये वही कमरा है जो ना मैडम हमारे यहाँ आए रही से और मॉक इंटरव्यू दे रही से, और आज डीसी सेलेक्ट होए के बाद बैठे, तो मैडम ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो मॉक इंटरव्यू मोर पहला इंटरव्यू रही, ओके, लाइक उससे पहले मैंने कभी इंटरव्यू ही नहीं दिया तो थोड़ा सा नर्वस रहे थी, मैं बहुत नर्वस थी इसलिए शायद थोड़ा अच्छा भी नहीं गया मेरा मॉक इंटरव्यू, पर आज थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हूँ यहाँ पे, यही एक डिफरेंस है, उस दिन नर्वस थी आज कॉन्फिडेंट। हम जानना चाहते हैं कि आपकी सक्सेस में कंपटीशन कम्युनिटी का क्या योगदान रहा है? बहुत योगदान रहा है, सबसे पहला योगदान रहा है कोमल सर, थैंक यू सर, कोमल सर के वीडियोज जो जिला परिदर्शन वाले हैं वो मैंने शायद कम से कम नहीं तो चार पाँच बार 2x की स्पीड में देखें। जब भी मेरे को लगता था मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं बन रहा है, मैं कैसे याद करूँगी यहाँ की, नहीं तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस कम रहता है यहाँ के, जैसे लोगों को यहाँ की बेसिक चीज़ें बहुत इजीली पता होगी, मेरे को वो चीज़ नहीं पता रही, तो फिर बेसिक्स कहाँ से शुरू करूँ, तो कोमल सर के वीडियोज़ देखो, जिला परिदर्शन वाले, कोमल सर के तिहार तीजा वाले वीडियोज़ देखो, तो कोमल सर के वीडियोज़ ने मेरा 100% हेल्प किया है, यही रहा है। और उसके बाद मॉक इंटरव्यू में मेरा हेल्प रहा है, इसके बाद मॉक इंटरव्यू के बाद मैं थोड़ा सा जो लोग बोल रहे थे कि मेरे को छत्तीसगढ़ी नहीं आती है उसका जो इशू बना रहे थे, तो उस इशू पे मैंने गणेश सर और मयूर सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया है बात करके कि कोई बात नहीं, तो ये दो तीन जगह मेरा बहुत हेल्प किया है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के। मेंस में आपका काफ़ी अच्छा नंबर रहा है, और इतना ही नहीं सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स इन्होंने अचीव किया है, तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि एक आंसर राइटिंग और एक बेहतर आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंसेस है? आंसर राइटिंग होता है जब आप फर्स्ट टाइम कुछ लिखते हैं जो आपको पता है वो आप लिखते हैं जी, और बेहतर आंसर राइटिंग होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लिखना, एक आपका जो थॉट है वो जो फ्लो है वो आपका दिखना चाहिए आंसर राइटिंग में, कि इंट्रोडक्शन फिर बॉडी फिर कंक्लूजन, कि आप क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं, मार्क्स आपको उसी के बेसिस पे देते हैं। तो थोड़ा इसको प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं आप कैसे? हाँ, मैं लाई हूँ अपने साथ नोट्स, मैडम लेके आइए साथ में, मैं दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने नोट्स कि कैसे नोट्स बनाने हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पेपर 3 का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जैसे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमको ये पॉइंटर्स में याद होने चाहिए विद आर्टिकल्स, कि अगर प्रीलिम्स में आर्टिकल पूछ लिया तो लिख लो, और अगर मेंस में पूछ लिया कि फीचर्स बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमारे पास ये पॉइंट्स में रेडी होने चाहिए।
और फिर जैसे कि एक बेसिक स्ट्रक्चर पॉलिटी में, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें केस कौन सा हुआ है, मिनर्वा मिन्स केस हुआ है, वमन राव केस हुआ है, और ये डॉक्ट्रिन अच्छे से इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जैसे कि शंकर प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भाटी केस में फाइनली आया बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। फिर कुछ कुछ डायग्राम में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ऐसे डायग्राम्स, मैंने बहुत दिखाऊंगी आंसर राइटिंग में, तो बहुत यूज़ किया है मैंने डायग्राम्स का अपने आंसर्स में, मेंस में, ऐसे कर सकते हैं। फिर लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स है जैसे, तो इसमें भी ये भी बहुत एक टॉपिक है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, और मेरे को मेन इंटरव्यू में पूछा भी था कि कौन सा आपका जो है अमेंडमेंट सबसे फेवरेट अमेंडमेंट है, तो ये और उसके बाद में ये सब पॉलिटी के नोट्स हैं। और उसके बाद में जैसे कि ऑटोनोमस बॉडीज हैं, तो ये बेसिक हो गया कि इंट्रोडक्शन क्या है, इश्यूज़ क्या है एंड वे फॉरवर्ड क्या है। उसके बाद में मैं स्पेस छोड़ देती थी, मैं उसको अलग कलर के पेन से लिखती थी कि ये करंट अफेयर का है, कि 2018 में कुछ डिसीजन लिया या कुछ लिया, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये वाला बेसिक है, फिर ये करंट वाला पोर्शन। फिर सिमिलरली ऐसे ही डायग्रामेटिकली आप बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इशूज़, आपको इशूज़ क्या है उसका केस स्टडी क्या है, मतलब केसेस पॉलिटी में केसेस क्या है, इश्यूज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये मस्ट रहता है पॉलिटी में। तो जैसे कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, और एक फाइनल स्टेज जो आता है सबसे डरावने वाला, वो होता है इंटरव्यू। लोगों का मिथ रहता है कि वहाँ इंटरव्यू में जाएंगे, अंदर जाएंगे तो बहुत प्रेशराइज रहता है, तो क्या ऐसा सही है, क्या माहौल रहता है एक्चुअली में? शुरू में ऐसा लगता है जब हम एंटर करते हैं, पर एक बार अगर आप बैठ जाओ, दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो थोड़ा सा लगता है घबराहट, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो क्या कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या पूछा गया था? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मेरे को यहाँ की भाजी पूछे गए थे। भाजी? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ की हूँ नहीं, और हाँ, मेरा कुकिंग हॉबी था, हाँ, तो कुकिंग से मतलब खाने से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस थे, और मेरे से ये पूछा गया था कि एक सब्जी है जो कि बहुत महंगा मिलता है, न्यूज़ में रहता है, कौन सा है? तो फुट्टू मशरूम, वो बताया, और श्रमिक दिवस में जो बासी खाते हैं उसके बारे में पूछा कि क्या होता है बासी, क्या होता है, और फिर यहाँ के जो PVTGs है, जो बहुत ही पिछड़ी जनजाति है, उनके नाम पूछे क्या होता है, और जो भुंजिया जनजाति है जिनका एक स्पेसिफिकली किचन होता है लाल बंगला करके, उससे रिलेटेड आप क्या जानते हो? तो वो पूछा, तो वो उससे रिलेटेड मैंने बताया कि वो लाल बंगला वो बहुत ही उनके लिए एक मंदिर के समान होता है, अगर उसको कोई टच भी कर दे बाहरी या कोई और जनजाति का आदमी, तो वो उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके नया किचन बिल्ड करते हैं, तो इसके बारे में पूछा, और बस इसी के अलावा। ओके, जैसे ही आप इंटरव्यू पैनल पे एंट्री करते हैं तो आयोग आपको देख के समझ जाता है, शायद आपकी मनोस्थिति को समझ जाता है, लेकिन क्या वो तो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि वो कभी आपको कम्फर्ट करने के लिए एंटरटेन करते हैं? हाँ, करते हैं, करते हैं, हाँ बिल्कुल, आपको कंफर्ट फील होगा। मेरे को तो यही लग रहा था, इंटरव्यू कम और एक बातचीत। ओके, इंटरव्यू होता ही है, आपका नॉलेज चेक कर लिया है मेंस में, अब वो आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता तो वो उस पर होल्ड नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जान मतलब चले जाएंगे, ताकि वो आपसे कुछ बात कर पाएँ, कुछ इश्यूज पे आपको जान पाए कि क्या है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मेरे से पूछा, तो वो जानना चाहेंगे कि मैं कितना जानती हूँ। फिर मेरे से पूछा कि जो समाज में महिलाओं की स्थिति है उसका जिम्मेवार कौन है, वो मेरे से जानना चाह रहे थे कि क्या मैं सिर्फ पुरुष बोलूँगी, कि सिर्फ महिला बोलूँगी, कि सब लोग बोलूँगी, तो वो एक आपका जज करना चाह रहे हैं आपका पर्सनैलिटी, तो वो क्वेश्चन आंसर पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपके पर्सनैलिटी, वो इंटरव्यू से ज़्यादा पर्सनैलिटी वाला ही प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा जज किया जाता है। सभी के सफलता में किसी ना किसी का हाथ होता है, चाहे वो उसका दोस्त हो, उसके पेरेंट्स हो, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मैं अपने घर से बाहर आके कभी भी छत्तीसगढ़ तो नहीं आ पाती, तो उन्हीं का श्रेय है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसके बाद कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे को इमोशनली फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया इस थ्रू आउट जर्नी, क्योंकि जॉब मैं कर नहीं रही थी,
तो सपोर्ट एक जो इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किया है और उनकी फैमिलीज ने, पर सबसे अगर ओवरऑल पूछेंगे तो मैं अपनी मम्मी को शेयर करना चाहूँगी। सारे बच्चों ने पूछा है कि कैसे तैयारी करना है, तो मैम ने तो नोट्स भी लेकर आए थे और हम इनसे एक ही चीज़ चाहते हैं, एक प्रॉमिस चाहते हैं कि ये जब भी हमें ज़रूरत हो बच्चों को गाइड करने के लिए तो आप हमेशा वहाँ पर अवेलेबल होंगी। आप सबसे हम विदा लेते हैं और इसी के साथ आपको बोलते हैं जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़।